देखिए, आज हमारे फार्मूले ये आते हैं लंबी एक्सरसाइज में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। आ जाएगी थोड़ी देर में, आवाज थोड़ा सेट होता है कई बार, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कई बार एक दो मिनट लगती है सेट होने में। अब तैयार है, बताइए। और कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन याद रखना है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू वन, उसी से तीनों रिलेशन बने। एक बार साइन स्क्वायर को इधर रख लिया तो वन माइनस कोस स्क्वायर, एक बार कोस स्क्वायर को इधर रख लिया तो एक ही फार्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू वन। ऐसे ही आपका ये रिलेशन है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये आपका दूसरा रिलेशन है, सेकंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर इधर आ गया और सिक वन इधर आ गया, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरी आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये छह फार्मूले हैं, बेसिकली तीन याद रखने पड़ेंगे। आप अगर आपको ये याद है बाकी दोनों बना लोगे, ये याद है बाकी दोनों बना लोगे, ये याद है बाकी दोनों बना लोगे। इसके अलावा आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि साइन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोस थीटा को लिखते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा। साइन थीटा को हम लिखते हैं साइन बाई कोस, और कोस को लिखते हैं कोस बाई साइन। साइन को साइन बाई कोस और कोस को कोस बाई साइन। और भी आपके फार्मूले हैं कि कोस थीटा जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है, और कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, और सेकेंट थीटा कोस का रेसिप्रोकल। ये सारे कंसेप्ट आपके यूज होंगे जो आपको याद होने चाहिए। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। अब एक मिनट होल्ड कीजिए। थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड साइन 25 कोस 65 प्लस
बताते हैं अभी आप देखिए, इसमें भी देखो क्या है, 25 और 65 90 होता है, 25 25 और 65 90 होता है। देखिए बस लॉजिक वहीं से चलना है कि हमें इसका मतलब 90 माइनस का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। बड़े एंगल को ही हम तोड़ते हैं, आप इसको 90 माइनस 25 65 होता है चेक करना, इसलिए cos 25 को हमने नीचे रखा है और ये हो गया और साइन cos 25 और ये साइन 90 माइनस 25 और ये आपका आ जाएगा बेटा साइन 25 और cos 90 माइनस 6 ये साइन 6। ऐसे ये cos 25 और साइन 90 माइनस 6 cos 6 ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वेयर 25 प्लस cos स्क्वेयर 25 इक्वल टू 1। हाँ जी बताइए, साइन सेकेंड स्क्वायर के फोर्थ का फर्स्ट, कोई बात नहीं आप ये कहिए फोर्थ का फर्स्ट है 9 sec² a - 10 square a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 9 कॉमन ले लीजिए, सेकेंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर अंदर बच जाएगा और ये आपका 1 होता है फोर्थ का सेकेंड पार्ट। जल्दी बोलिए वन प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा इनटू एक वन प्लस फोर थीटा माइनस फोर सी टेन थीटा, यही क्वेश्चन है बेटा। फोर थीटा देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जब आपको कुछ समझ नहीं आए ना तो जितने टैन सेकेंट कोसेकेंट और कोट हैं इन सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। करिए ये आ जाएगा वन प्लस टैन हो जाएगा बेटा आपका साइन थीटा बाई कोस थीटा और सेकेंट आ जाएगा वन अपॉन कोट आ जाएगा कोट अपॉन साइन और सीकेंट है वन अपॉन साइन, ये आपका कोट थीटा आ गया। एलसीएम ले लो कोस कोस वन तो कोस आएगा, वन से कोस को डिवाइड करोगे कोस टाइम जाएगा, कोस को वन से मल्टीप्लाई कर दो, कोस से कोस को डिवाइड किया वन जो आया ऊपर मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा के साथ कोस से कोस को वन। आइए इसमें एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो वन से साइन थीटा को डिवाइड किया साइन थीटा टाइम गया ये साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड किया वन टाइम आया कोस थीटा और साइन से साइन को डिवाइड किया वन आया, ये आपका डी। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक आप लोगों में से किसी को ये लगता हो कि कोई चीज पूछने लायक है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए आप इसके बाद ये सारा a प्लस बी a माइनस बी तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में cos प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और ये नीचे आपका आ गया cos थीटा sin थीटा। सिंप्लीफाई कीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा और ये माइनस 1 आपका ये वाला है और नीचे आपका कोस थीटा साइन थीटा। आगे देखिए ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर आपका न्यूमरेटर में 2 sin थीटा cos थीटा है, यहां पर भी sin थीटा cos थीटा है, कैंसिल हो गया और ये आपका 2 आंसर आ गया। चेक कर लीजिए, अगर आपको डाउट लगता है तो बताइए। देखिए किसी को डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ देखिए भाई, secant a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, secant a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये आपका है। सीकेंट को 1 अपॉन कोस में कन्वर्ट कर दो, सीकेंट को 1 अपॉन कोस में और टैन को साइन ए अपॉन कोस और ये आपका 1 माइनस साइन ए। आप एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम आ गया आपका कोस ए, कोस ए कोस ए कोस ए, कोस ए से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, cos से डिवाइड किया 1 आ गया साइन ए और ये आपका 1 माइनस साइन ए, हमने बिल्कुल इसको छोड़ा ही नहीं। अब बेटा a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे ये आपका cos a है, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल हो गया एक कोस कोस से। बताइए आप में से किसी को डाउट हो, एक बार देख ले, कॉपी पेन लेकर बैठता है सामने अभी आज तक? हाँ जी सर बताइए, सही आंसर है गलत है?